तो नमस्कार, ट्रेडर्स डायरी में आपका स्वागत है। कारोबारी हफ्ते का है पहला दिन और आज पहला दिन है मेरे कॉलीग अरमान नाहर का, जो कि ट्रेडर्स डायरी में आज से अपनी शुरुआत कर रहे हैं। तो अरमान, सबसे पहले बताएं, इस शो को होस्ट करके आप क्यों हो रहा है? नहीं वैसे इसकी लिगेसी बहुत अच्छी है, तो इसको फॉलो करना, इस फुट स्टेप्स में जाना, वही एक अच्छी बात है। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट। बिल्कुल अरमान, डेफिनेटली। तो यहाँ पर अब नज़र यही रहेगी कि किस तरह से ग्लोबल संकेत है, पहले उसको हम लोग जज कर लेते हैं। एंड लार्जली अगर आप देखें तो जो मूड माहौल है वो डेफिनेटली काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहा है। खासकर अगर आप शुक्रवार के सत्र में अमेरिकी बाजारों पर नज़र डालें, वहाँ पर काफ़ी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट अगर आप जुलाई महीने की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन तेज़ी आपको पूरे के पूरे महीने में भी आती हुई नज़र आई है। तो सबसे पहले एक बार ही अमेरिकी बाजारों पर नज़र डाल रहे हैं कि यहाँ पर डाउ जोन्स वो किस तरह से ट्रेड करते हुए दिखे हैं। इनफैक्ट अगर मैं देखूं तो ऑलमोस्ट 1% तक की दमदार तेजी वहां पर होती हुई दिखी और ऑलमोस्ट दिन के हाई पॉइंट पर डाउ जोन्स जाकर बंद होते हुए नजर आए हैं। तो डेफिनेटली वहां से काफी पॉजिटिव संकेत आते हुए दिख रहे हैं। लगातार आप देखिए यहां पर बढ़त बनती हुई दिखी है और नैसडेक भी पीछे नहीं था, वहां पर भी ऑलमोस्ट 2.25% तक की तेजी यहां पर नैसडेक पर भी आती हुई नजर आई। यूरोपियन मार्केट्स के भी संकेत काफी ज्यादा पॉजिटिव रहे हैं। इनफैक्ट वहां पर अगर आप देखिए यूरोपियन मार्केट्स में तो ऑलमोस्ट 1.5 से 2% तमाम जो तीनों इंडाइसेस है वो भी चलते हुए नजर आए हैं। तो दोनों ही जो डेवलप्ड मार्केट्स है वहां पर काफी बेहतरीन प्रदर्शन देखने को मिला है। एक बार एशियन मार्केट्स पर भी नजर डाल लेते हैं कि वहां पर अभी किस तरह का रुझान या संकेत हमें देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट मिले जुले से यहां पर इंडाइसेस हैं जहां पर जो रुझान है वो कहीं ना कहीं शांघाई कॉम्पोजिट अगर आप देखें तो थोड़ा सी लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ निकाई यहां पर अच्छी तेजी बनती हुई नजर आ रही है। तो मिला जुला रिएक्शन एशियन मार्केट से है। डाउ फ्यूचर्स और नैसडेक फ्यूचर्स, इस पर भी एक बार नजर डालिए, उसको भी पुलअप करते हैं। इनफैक्ट यहां पर डाउ फ्यूचर्स आप देखिए 114 अंकों की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं। तो देखना होगा कि भारतीय बाजार किस तरह से ट्रेड करते हैं, क्योंकि एसिक्स निफ्टी करीब 34-35 अंकों की तेजी के साथ कारोबार करते हुए दिख रहे हैं, बट डाउ फ्यूचर्स अच्छे संकेत नहीं दे रहे हैं। इनफैक्ट अरमान, अगर मैं आपको बताऊं तो जो FIIs है उनकी खरीदारी लगातार कैश मार्केट में हमें आती हुई दिख रही है। इनफैक्ट शुक्रवार के सत्र में भी 1000 करोड़ से ज्यादा की बाइंग आती हुई दिख रही थी और कहीं ना कहीं जो कच्चा तेल है यहाँ पर भी एक बारी नजर डालना होगा। इनफैक्ट यहाँ पर 103-104 ऑलमोस्ट स्टेबल साइड पर कच्चा तेल दिख रहा है, तो यहाँ पर सेटअप जो है वो काफी मजबूत है। तो कच्चे तेल से प्रॉब्लम नहीं है, FIIs की खरीदारी हो रही है एंड ग्लोबल सेटअप काफी ज्यादा पॉजिटिव रहा है। तो ओवरऑल जो मूड माहौल लग रहा है वो तो काफी बेहतरीन लग रहा है और इसी वजह से आई थिंक आपने कोई सेल कॉल लिया आज? नहीं, मेरा कोई भी सेल कॉल नहीं है क्योंकि ओवरऑल जो मूड माहौल है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिव है और इस वजह से हमारी जो टीम है उसमें सारे के सारे स्टॉक्स आज बाई साइड पर ही आपको देखने को मिलेंगे। बट ये बहुत जरूरी है कि जो बाई साइड पर स्टॉक्स हम आपको दे रहे हैं वहां पर आपको स्टॉप लॉस भी मेंटेन रखना है, क्योंकि मार्केट्स हो सकते हैं कि काफी वॉलेटाइल हो, जिस तरह से डाउ फ्यूचर्स अभी इंडिकेट करते हुए नजर आ रहे। तो 114 अंकों की गिरावट वहां पर है, बट लार्जली जो मोमेंटम बना है फ्राइडे के सत्र में, इनफैक्ट भारतीय बाजारों का भी वो मोमेंटम काफी तगड़ा रहा है। तो यही देखना होगा कि यहां पर किस तरह से हम ट्रेड आज करते हुए नजर आते हैं। तो चलिए, ये तो हो गई ग्लोबल मार्केट्स की बात, बट अपनी पारी की शुरुआत कर लेते हैं। तो सबसे पहले अरमान, आज आप शुरुआत कीजिए, कैश सेगमेंट में आपने कौन सा स्टॉक चुना है? कैश सेगमेंट में मैंने सबसे पहले चुना है जेके पेपर। अब उसको चुनने का रीजन ये है, अब जेके पेपर का एक तो पहले टारगेट बता दूं 357 का और स्टॉप लॉस है 342 का। अब देखिए इसका रीजन ये है क्योंकि आंध्रा पेपर के आपने नतीजे देखे, नतीजे काफी बड़े आते हुए दिखे। आप YOY आधार पर देखिए, आय लगभग 75% बढ़ी, मार्जिन 16% से बढ़कर 27% आए और मुनाफे की बात करेंगे मुनाफा भी 227% आया। पर स्टोरी यहां पर खत्म नहीं होती है, स्टोरी ये है कि अगर आप QOQ देखेंगे ना तो QOQ भी नतीजे बहुत बढ़िया है और काफी कम कंपनियां ऐसी हैं जो YOY और QOQ दोनों बढ़िया दे रही है। और ये स्पेस अगर आप देखेंगे तो आपको कोविड के टाइम पर सबसे बीटन डाउन था, और अगर इसमें मेरे को किसी एक को चुनना हो जिसमें मेरे को प्रमोटर क्वालिटी बहुत बढ़िया है, जिसके मेरे को फंडामेंटल्स पर विश्वास है और जो कंटिन्यूसली अपने डेट को अगर फ्री कैश फ्लो के हिसाब से देखेंगे तो अपने इंटरेस्ट पेमेंट को अच्छे से मेंटेन करते हैं, तो वो डेफिनेटली ये कंपनी है जेके पेपर। तो मैं कैश में जेके पेपर पर जाना चाहूंगा। बिल्कुल डेफिनेटली अरमान, तो कैश स्पेस से जेके पेपर ये आपका काउंटर है जहां पर आपको फोकस रखना चाहिए। काफी शानदार तेजी बनती हुई दिख सकती है जिस तरह से आंध्रा पेपर्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं। चलिए, तो कैश सेगमेंट में मैंने अपना पारी की शुरुआत की है महिंद्रा हॉलीडेज के साथ। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी मैंने ये स्टॉक आपको रिकमेंड किया था और बेहतरीन नतीजे आने की एक्सपेक्टेशंस पर वहां पर ये रिकमेंड करता हुआ दिखा था। तो उस दिन 2.5% तक की तेजी हमें देखने को मिली थी, बट लार्जली आज जो नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं वो डेफिनेटली काफी बेहतर है और मुझे लग रहा है कि इस वजह से आज ये बेहतरीन तेजी दिखा सकता है। इनफैक्ट मार्जिन पर
मैं देख रहा था, यहां पर सरप्राइज हो गया। पिछले साल 7% की मार्जिन थी, इस बारी 16% की मार्जिन कंपनी क्लॉकिंग की है और साथ ही कंपनी की आय में भी 63% का उछाल के साथ 605 करोड़ पर कंपनी की रेवेन्यू भी आते हुए दिख रही है। मुनाफे के लिहाज से तो डेफिनेटली घाटे से मुनाफे में आती हुई दिखी है। 21 करोड़ का घाटा था पिछले साल और इस बारी 30 करोड़ का मुनाफा कंपनी की तरफ से आ रहा है। तो डेफिनेटली हर एक पैरामीटर पर कंपनी का शानदार प्रदर्शन रहा है, दोनों ही वायोवाई और क्यूक्यू आधार पर, और इसी वजह से मुझे लग रहा है कि महिंद्रा हॉलीडेज आपको चुनना चाहिए। बेहतरीन तेजी देखने को मिल सकती है। 241 का टारगेट रखिए, 224 रुपये के आसपास की प्राइसिंग है इसकी अभी, 232 रुपये आपको स्टॉप लॉस, 234 रुपये के आसपास की प्राइसिंग में, तो 1.5 से 2% नीचे आपको यहां पर स्टॉप लॉस रखना है। बट हाईली रिकमेंडेड है कि 241 का टारगेट आज हो सकता है कि अचीव करता हुआ दिखे। तो चलिए ये तो होगी पहली कैटेगरी की बात, बढ़ते अपनी अगली कैटेगरी जो है फ्यूचर्स की, और फ्यूचर्स में अरमान मैंने स्टॉक चुना है IDFC फर्स्ट बैंक का। शानदार नतीजे आते हुए दिखे हैं, इनफैक्ट आप तमाम बैंकों के नंबर्स देखिए तो वहां पर एसेट क्वालिटी में लार्जली हमें सुधार आता हुआ दिख रहा था और प्रोविजनिंग डेफिनेटली कंपनियों की घट रही थी। तो उस वजह से मुझे लग रहा है कि आज IDFC फर्स्ट बैंक पर आपको नजर रखनी चाहिए, काफी शानदार नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट एसेट क्वालिटी, हमारा अनुमान था 3.5% GNPA आने का, उसके मुकाबले कंपनी ने 3.36% के GNPA दर्ज किए हैं और साथ ही कंपनी की NII में भी लगभग 26% का उछाल हमें आता हुआ दिख रहा है। तो 2750 रुपये का जो लेवल्स है वो डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे हैं मुझे NIs की तरफ से। और प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर काफी इंटरेस्टिंग था, 290 करोड़ रुपए का हमारा अनुमान था मुनाफे के लिहाज से और कंपनी ने 474 करोड़ का मुनाफा दर्ज किया है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी ने बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया है, अनुमान से बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है, तो बीट है और इसी वजह से IDFC फर्स्ट बैंक पर आज आप नजर रखिए। 39 रुपीज के टारगेट के लिए 37-70 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, यहां पर 39 रुपीज के लिए खरीदारी कीजिए, 36.5 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनना चाहिए। तो चलिए ये तो मेरी फ्यूचर्स की बात हो गई, अरमान आपने फ्यूचर्स कैटेगरी में क्या चुना है? जी देखिए, सबसे पहले अगर फ्यूचर्स की सबसे पहले तो एक एक और चीज मैं आपको जेके पेपर के लिए ऑलरेडी बताना चाहता हूं कि ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें पिछले 10 साल में अगर आप देखेंगे तो सिर्फ इनका 2 साल में इनका रेवेन्यू डाउन हुआ है। मैं बोल रहा हूं पिछले साल के रेवेन्यू से इस साल का रेवेन्यू, और वो सिर्फ कोविड का टाइम था। तो ऐसी कितनी कंपनियां हैं जो आप ये फाइंड कर सकते हैं कि पिछले 10 साल में उनका रेवेन्यू हर साल पिछले साल से ज्यादा था। अब चलिए आते हैं फ्यूचर्स के ऊपर। फ्यूचर्स में मैंने जो करा है वो है सिप्ला। अब उसका रीजन ये है कि हालांकि आपको जो नतीजे दिखेंगे नतीजे थोड़े कमजोर आते हुए दिखेंगे, पर पॉइंट ये है कि जो इनका जो हमारा अनुमान था, एनालिस्ट का अनुमान था, उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो नतीजे बड़ी आते हुए दिखेंगे। उसका अगर मार्जिन देखेंगे, मार्जिन तो मेंटेन कर ही है जो उन्होंने एस्टीमेट था उसके हिसाब से, पर अगर आप कामकाज मुनाफे की बात करेंगे, एस्टीमेट 1000 करोड़ के आसपास का था, इन्होंने 1143 का आता हुआ दिखा। और अगर मुनाफे की बात करेंगे, मुनाफे में भी आपको अच्छा उछाल देखा गया, अनुमान 576 करोड़ का था और आय 686 करोड़। तो मतलब आप यूं देखेंगे तो आपको नतीजे थोड़े कमजोर दिख रहे हैं, बट अनुमान के हिसाब से जो जितना भी स्ट्रीट एस्टीमेट था उसके हिसाब से बढ़िया नतीजे आते हुए दिखे हैं। इसका जो टारगेट है वो 1010 के लिए और स्टॉप लॉस होगा 970 का। तो ये तो हो गई हमारी ऑफ फ्यूचर्स की कैटेगरी। अब हम चलते हैं ऑप्शंस की कैटेगरी पर। ऑप्शंस में मैंने चुना है अशोक लीलैंड। अब उसके रीजंस भी बहुत सारे हैं। अगर आपने टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी इन सब की एनुअल रिपोर्ट पढ़ी हो तो सब ने एक अप ट्रेंड की बात करी। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन सब ने एक ऑटोमोबाइल सेक्टर में अप ट्रेंड, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर का एक साइकिल है वो स्टार्ट होने की बात करी है। उसी के चलते और जो हमारा एस्टीमेट्स है आपकी, जो नतीजे, जो इनके नतीजे नहीं, जो आपके ऑटोमोबाइल्स के रेवेन्यूज और सेल्स के फिगर्स आज जो आने वाले हैं, जो मंथली अपडेट भी आने वाला है, वो बड़ी आने वाला है। अगर हमारा जो अनुमान है अशोक लीलैंड लगभग 66% की जो कमर्शियल व्हीकल स्पेस है वहाँ पर बढ़ोतरी दे सकता है। तो इसीलिए मेरा चूज करने के लिए अशोक लीलैंड है। और उसके लिए आपको बाय, आपको कॉल ऑप्शन बाय करना है 6 रुपये का, टारगेट 12 का और स्टॉप लॉस रखना होगा 3 का। तो ये तो मेरी हो गई बात कि मैंने ऑप्शन में क्या चूज करा है, आपने ऑप्शन में क्या चूज करा है? बिल्कुल अरमान, तो 150 रुपए का जो कॉल ऑप्शन है अशोक लेलैंड पर, 6 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, यहां पर खरीदारी करना है 12 रुपए के टारगेट के लिए और 3 रुपए अरमान स्टॉप लॉस बता रहे हैं। तो अशोक लेलैंड पर नजर रखिए, अच्छे जो नंबर्स हैं जुलाई महीने के वो यहां पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो डेफिनेटली अशोक लेलैंड ये आ रही है ऑप्शन कैटेगरी में अरमान की तरफ से राय। चलिए ऑप्शन में मैंने भी एक ऑटो OEM चुना है और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये स्टॉक पर आपको फोकस रखना है। इनफैक्ट यहाँ पर ऑटो नंबर्स तो हम एक्सपेक्टेशंस कर ही रहे हैं कि अच्छे साइड पर आ सकते हैं, बट लार्जली जो बड़ा फोकस है मेरा वो इनकी स्कॉर्पियो N जो इन्होंने लॉन्च की है उस न्यूज़ पर है। इनफैक्ट जो बुकिंग्स आती हुई दिख रही थी पहले 3 मिनटों में, आई थिंक करीब 25,000 बुकिंग्स होती हुई दिखी थी, और उसके बाद नेक्स्ट 30 मिनट्स में, अगर आप टोटल 30 मिनट में देखें तो एक बहुत ही बेहतरीन रिकॉर्ड आता हुआ दिखा। इनफैक्ट माफ़ कीजिएगा, 3 मिनट में नहीं, 1 मिनट में 25,000 बुकिंग हुई थी,
जब इसकी बुकिंग शुरू हुई थी और 30 मिनट में 1,00,000 बुकिंग का रिकॉर्ड स्कॉर्पियो एन ने बना लिया है। और अगर आप बाजार का मोमेंटम देखेंगे तो ऑटोज ऑलरेडी फ्लेवर में है और महिंद्रा एंड महिंद्रा ने शुक्रवार के सत्र में भी काफी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पैसेंजर व्हीकल स्पेस में और जो नया एसयूवी का इन्होंने लोगो भी निकाला था उसके बाद इनकी जो ब्रांडिंग होती हुई दिख रही है वो काफी ज्यादा पॉजिटिव है और नए प्रोडक्ट्स उस नई ब्रांडिंग के अंदर आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोगों को एक नोवेल्टी फैक्टर यहां पर मिलता हुआ नजर आ रहा है और इसी वजह से महिंद्रा एंड महिंद्रा एक लॉन्ग टर्म स्टोरी भी बन सकती है। डेफिनेटली कंपनी ने ऑलरेडी पहले बहुत अच्छे रिटर्न्स दिए हैं पर आगे की जो फोकस एरियाज हैं एसयूवीज में आपको पता ही है कि कंपनी ने ऑलरेडी अपनी लीडरशिप साबित कर दी है तो अब मुझे लग रहा है कि यहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा इस वजह से आज जो खबर आई है स्कॉर्पियो एन को लेकर जिस तरह का पब्लिक का रिस्पॉन्स आ रहा है इस नई गाड़ी को लेकर वो काफी बेहतरीन रहा है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा 1160 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है। 47 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है इसकी। 60 रुपए का टारगेट बनाइए। 40 रुपए आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो चलिए ऑप्शंस की कैटेगरी भी पूरी हो गई है। अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है टेक्नो पिक और टेक्निकल चार्ट्स के आधार पर UPL ये स्टॉक काफी शानदार प्रदर्शन करता हुआ नजर आ सकता है। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में जो चार्ट बना था उसको भी हम पुल अप करेंगे। वहां पर भी आप फोकस करिए कि किस तरह से यहां पर चार्ट स्ट्रक्चर बनते हुए दिख रहे हैं। 745 748 रुपए के आसपास का हाई इसने बनाया था। 740 741 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है तो हाईज बनाने के बाद ऑलमोस्ट उसी लेवल्स पर UPL का जो चार्ट है वो ट्रेड करता हुआ नजर आया है और काफी अच्छी आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इनफैक्ट शुरुआती सत्र से थोड़ी वॉलिटिलिटी थी 1-1.5 घंटे के बाद, उसके बाद आप देखिए ऑलमोस्ट स्टेबल इस लेवल पर आता हुआ दिखा है। तो हो सकता है कि एक अच्छा ब्रेकआउट कैंडिडेट UPL बनता हुआ आज के सत्र में नजर आया और इसी वजह से इस स्टॉक को मैंने चुना है। आपको जो आज के लिए टारगेट बनाना है वो है 764 का। 740-741 रुपए की प्राइसिंग है। 736 5 रुपए नीचे केवल आपको स्टॉप लॉस भी लगाकर चलना है। तो टेक्नोपिक के आधार पर UPL वो स्टॉक है जो मेरे रेडार पर है। अरमान क्या देख रहे हैं इस कैटेगरी में ये उनसे जानते हैं। देखिए मैं टेक्नोपिक के हिसाब से देख रहा हूं सन फार्मा के ऊपर। उसके दो रीजन है, आप अगर चार्ट देखेंगे चार्ट में भी आपको स्टेबलस दिखेगा उसमें। एक तो सबसे पहला ये रीजन की चार्ट तो ठीक ठाक है ही सही, उसी के साथ साथ आपको चार्ट के साथ साथ अगर आप देखेंगे जो उनके रिजल्ट्स आए, रिजल्ट्स के बाद आपको अच्छा उछाल देखा गया और जो रिसेंटली जो जितनी भी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं वो काफ़ी बुलिश आ रही है। जैसे अगर आप देखेंगे जो HSBC है उन्होंने टारगेट 1055 से बढ़ाकर 1120 पर कर दिया और अगर जो रिजल्ट्स के बाद अगर मूवमेंट आ जाए और वो सस्टेन कर जाए तो मतलब एक चार्ट में भी आपको अच्छा मूवमेंट दिख रहा है, रिजल्ट्स पर भी विश्वास है और ब्रोकरेज पर भी विश्वास है। तो कुल मिला के ओवरऑल देखेंगे तो ये परफेक्ट टेक्नोपिक बन जाता है। टेक्नोपिक तो हो गया, अब आ गए फंडामेंटल्स पर। फंडामेंटल्स के हिसाब से मैंने जो स्टॉक चुना है वो है इंडियन होटल। अब इसका रीजन क्यों, एक तो ये जो स्पेस है ये कुछ ऐसा स्पेस है जहां पर आपको जब से ये कोविड से सब फ्री हुए हैं तो आप बुकिंग्स देख लीजिए, सब जगह देख लीजिए, सबको बढ़िया। और कुछ ही टाइम पहले जब मैं कुछ बुकिंग कर रहा था तब मैंने देखा भी था साइट्स पर, तो जो प्राइसेस हैं प्राइसेस ऑलरेडी हाई हो गए। क्यों? क्योंकि अब आपको बताया कि अगस्त में अब बहुत सारे छुट्टियां आने वाली हैं और अपना फेस्टिवल सीजन भी आने वाला है तो बुकिंग्स भी बढ़ रही हैं और आपकी डिमांड भी बढ़ रही है। प्राइसेस सस्टेन क्यों कर पा रहे हैं ये, क्योंकि इनके प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं और प्राइसेस बढ़ रहे हैं उसके साथ डिमांड है तभी वो प्राइसेस रख पा रहे हैं। तो डेफिनेटली ओवरऑल देखेंगे और इस स्पेस में मुझे ये स्टॉक इसलिए भी पसंद है, अगर आप इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग देखेंगे उनको विश्वास है इस चीज़ पर और ये एक ऐसी कंपनी है जिसका डेट इक्विटी रेशियो हमेशा मेंटेन रहता है। एक वो भी दिक्कत आती है कि जहां पर आपको लगा है स्लो डाउन आ जाए तो कहीं इंटरेस्ट का ब्याज कैसे करेंगे, उसके लिए ओवरऑल देखेंगे तो बहुत बढ़िया चल रहा है फंडामेंटल्स के हिसाब से। अगर इसका जो ड्यूरेशन दे रहा हूं, मैं ड्यूरेशन 1 साल का दे रहा हूं और जो मैं टारगेट बोल रहा हूं टारगेट 315 का, तो ओवरऑल ये स्पेस पूरा अगर आप होटल स्पेस देखेंगे लीजर स्पेस देखेंगे वहां पर मैं काफी बुलिश हूं और उसमें ये स्टॉक ताकि मेरे को हर एक चीज पर भले इनके रिजल्ट्स देख लीजिए, फंडामेंटल्स देख लीजिए, प्रमोटर्स देख लीजिए, इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स देख लीजिए और ये स्पेस बर्जिंग देख लीजिए जहां पर आप हमेशा आपको कन्विक्शन है अभी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि जो क्रेविंग है लोगों की ट्रेवल करने की, होटल्स में रहने की, इधर उधर घूमने की, वो काफी अच्छी जा रही है। तो फंडामेंटल्स के हिसाब से मैं इंडियन होटल पे जा रहा हूं। आप कुशल कौन सा चूज करेंगे फंडामेंटल्स के हिसाब से? बिल्कुल, तो फंडा पिक मैं बताऊं इससे पहले इंडियन होटल्स पे तो डेफिनेटली आपकी शानदार कमेंट्री आती हुई दिख रही है और कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पूरा का पूरा स्पेस है, इनफैक्ट नतीजे आएंगे कमाई कराएंगे भी, हमने आपको ओरिएंटल होटल्स बताया था इंडियन होटल्स की जिसमें पर्टिकुलरली करीबन 28% हिस्सेदारी है, तो वो एक डेफिनेटली काफी पॉजिटिव बहुत शानदार नंबर्स उसके आते हुए दिखे हैं। तो इंडियन होटल्स के नंबर्स पर भी हमें नजर रखनी है, बट उससे पहले जो टेक्नो पिक आपने अरमान दिया था सन फार्मा का, वहां पर मैं बताना चाहूंगी जो पोस्ट मार्केट मार्केट आज के दौरान ही उसके नंबर्स आते हुए दिखे थे और टू माय सरप्राइज जितना अनुमान हमने किया था उससे भी बहुत ही बेहतरीन जो है सनफार्मा के नंबर्स आते हुए दिख रहे थे और इसी वजह से उसने रिएक्शन दिया
5% के गेंस सन फार्मा में हमें आते हुए दिखे थे और कहीं ना कहीं इस वजह से बहुत ही शानदार पॉजिटिविटी आप देखिए चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पर जब नंबर्स आए उसके बाद किस तरह का स्पाइक हुआ और वो स्पाइक मेंटेन रहा, तो इसी वजह से सन फार्मा जो है टेक्निकल चार्ट स्ट्रक्चर का सेटअप भी काफी ज्यादा मजबूती के साथ दिख रहा है और जो ब्रोकरेज हाउसेज की रिपोर्ट है वो भी काफी पॉजिटिव है। तो एक बारी टारगेट और स्टॉप लॉस मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर सन फार्मा 943 रुपए के आसपास की प्राइसिंग है, 965 रुपए के टारगेट के लिए अरमान ने आपको दिया है, यहाँ पर खरीदना है आपको, 932 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाकर चलना है। तो चलिए सन फार्मा और इंडियन होटल्स ये अरमान की तरफ से आते हुए दिख रहे हैं, टेक्नोपिक मैंने आपको अपनी तरफ से यूपीएल बताया था, फंडा पिक पर अब मैं आता हूँ। मैंने फंडामेंटली जो स्टॉक चुना है वो है आदित्य बिरला फैशन का। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर होटल स्पेस तो फोकस में है ही, साथ ही जो अपैरल सेगमेंट है वहां पर भी बड़ा फोकस बनता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट आप देखिए स्कूल्स ऑफिस सभी कुछ अब खुल गया है, सब कुछ नॉर्मलाइज हो गया है, तो इनकी सेल्स जो है वो ऑलमोस्ट प्री कोविड लेवल्स पर भी आती हुई नजर आएगी, तो उसका बड़ा फायदा आपको एबी फैशन में भी आता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट जब देखना होगा कि इसके नंबर्स आएंगे तो वो किस तरह से ट्रेड करते हैं, बट लार्जली जो फंडामेंटल स्टोरी बन रही है इस स्पेस में वो अपैरल स्पेस में, खासकर रिटेलिंग अपैरल रिटेलिंग में वहां पर काफी बेहतरीन बन सकते हैं क्योंकि मार्जिन भी रिलेटिवली कंपनी के अच्छे आते हुए दिख सकते हैं। तो 320 रुपए आसपास की यहां पर आपको टारगेट लगाकर चलना है और अगले एक साल के लिए आप अपने इसको पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो चलिए ये तो फंडा पिक हो गई, अब बढ़ते हैं अगली कैटेगरी जो है इन्वेस्टमेंट पिक और निवेश के लिहाज से अगेन अगर आप देखें तो कंजम्पशन स्टोरी ये आपको बहुत ही बेहतरीन दिखेगी। इनफैक्ट यहाँ पर अगर आप देखें तो ओवरऑल इंडियन कंज्यूमर जो है वहाँ पर काफ़ी शानदार स्टोरी बनती हुई नज़र आ रही है। कोई भी मॉल में आप चले जाइए तो आपको वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट यानी कि अगर आप देखें तो जो मैकडॉनल्ड्स की चेन यहाँ पर चलाती है भारत में, जिन्होंने ये जो है इनकी फ्रेंचाइजीज ली हुई है, तो डेफिनेटली इससे तो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिविटी बनती है एंड लार्जली कंपनी की जो नंबर्स आए थे वो काफ़ी शानदार थे। इनफैक्ट फ्राइडे के सत्र में ही 10% का मूव ऑलरेडी वेस्टलाइफ डेवलपमेंट ने दे दिया है, पर ये जो 10% का मूव हुआ है ये इसके कंफर्मेशन है कि आगे की जो स्टोरी है वो कितनी इंटैक्ट है इनके लिए। तो डेफिनेटली कंजम्पशन स्टोरी पर बिलीव कर वेस्टलाइफ डेवलपमेंट में आपको खरीदारी करनी है और अगले एक साल में 750 के लेवल्स भी ये टच करता हुआ नजर आ सकता है। तो निवेश के लिहाज से वेस्टलाइफ डेवलपमेंट मेरी तरफ से, अरमान इन्वेस्टमेंट पिक आपकी कौन सी होगी? इन्वेस्टमेंट पिंक मेरे लिए जो एक साल के लिए है वो है सबसे पहले पॉलीप्लेक्स। अब उसका रीज़न क्या है, ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें आप जितना अगर आप ट्रेंड देखेंगे 12 साल 13 साल 14 साल कंपनी लगातार कैपेक्स कर रही है और कैपेक्स एक तो ये होता है कि कैपेक्स आप सिर्फ इंटीग्रेशन एक वर्टिकल इंटीग्रेशन करें, एक जो इनका सबसे बढ़िया चीज़ है कि जैसे इनके लिए जो फिल्म्स हैं वो रेजिन्स हैं ये लगातार कैपेसिटी जो बढ़ा रहे हैं, वो पीछे जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो भी होता जा रहा है। उसी के साथ साथ ये ऐसी कंपनी है जो रेगुलर डिविडेंड देती है। एक ऐसी कंपनी अगर आप जो रीसेंट अगर इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो FPI का जो नंबर है, एक ये होता है कि आपका परसेंटेज होल्डिंग बढ़ रहा है, एक होता है कि कितने लोग FPIs जो हैं वो कितने नंबर ऑफ इसमें इंटरेस्ट हो रहे हैं वो भी इसमें ज़्यादा है। डॉली खन्ना का तो इसमें स्टेक है ही सही। उसी के साथ साथ ये एक ऐसी कंपनी है जो हमने आपको स्टॉक उस समय भी बताया था, ये एक रिसेशन प्रूफ है। क्यों? क्योंकि जब भी अगर इन केस अगर जैसे क्रूड ऑयल, और क्योंकि इनके लिए बेसिक रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल नेचुरल गैस है क्योंकि पॉलीपेपिलीन और एथिलीन इनके लिए एक रॉ मटेरियल बन जाता है, तो वो भी ये अच्छे से पास ऑन कर पाते हैं। अब एक पास ऑन करने का रीज़न सिर्फ यही नहीं है कि बैकवर्ड इंटीग्रेशन से मार्जिन तो मेंटेन कर लेते हैं, पर ये भी है कि आप स्पेशलिटी पैकेजिंग कर रहे हैं। स्पेशलिटी पैकेजिंग में सबसे ज़्यादा फायदा क्या होता है कि उसमें आपका मार्जिन ज़्यादा होता है, और मार्जिन ज़्यादा है तो फिर भी अगर आपका रॉ मटेरियल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं पर आप स्पेशलिटी अगर जो प्रोडक्ट है वो बना रहे हो तो फिर आपके मार्जिन्स मेंटेन भी रख पाते हो, और जैसे ही अगर प्राइसेस डाउन होते हैं तो क्या होता है कि इनके मार्जिन्स का जो गैप है ना, जो रॉ मटेरियल्स और मार्जिन्स का, वो दिखने लग जाता है। एक ऐसी कंपनी जो फंडामेंटली बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्टेक्स बहुत अच्छा है, रॉ मटेरियल्स को अच्छे से सस्टेन कर पाते हैं, कंटिन्यूसली कैपेक्स करती जा रही है, डिविडेंड दे रही है, तो इससे अच्छा कोई फंडामेंटल कोई हो नहीं सकता। स्टॉक मेरे लिए टारगेट है 2750 का और ड्यूरेशन है एक साल का। अब आ जाते हैं, ये कैटेगरी तो पूरी हो गई, अब आ जाते हैं खबरों के ऊपर। खबरों के ऊपर मैंने लिया है स्टॉक VST इंडस्ट्रीज। एक तो रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन कि इनके जो नतीजे आए थे, नतीजे बड़े आते हुए दिखे थे, आय में आपको 12% का उछाल, आप कामकाज मुनाफा देखिए वहां पे आपको 30% का उछाल दिखेगा, मार्जिन्स देखिए मार्जिन्स 33% से बढ़कर 39% पर आते हुए दिखे, और मुनाफा भी देखिए मुनाफे में 24% का उछाल देखा गया। तो ओवरऑल जो इनके नतीजे आए, नतीजे बढ़िया आते हुए दिखे हैं, तो मेरे लिए जो इसका टारगेट है वो 3300 का है और स्टॉप लॉस रहेगा
3170 का। तो खबरों के लिए मैंने तो ये चूज कर लिया। कुशल, आप क्या चूज करने वाले? बिल्कुल, तो वीएससी इंडस्ट्रीज दोनों ही वाईओवाई और क्यूक्यू आधार पर काफी बेहतरीन नंबर्स आते हुए दिख रहे हैं, तो इस वजह से खबरों के दम पर वीएससी इंडस्ट्रीज अरमान देते हुए दिख रहे हैं। चलिए, खबरों के दम पर मैंने स्टॉक चुना है कैंपस एक्टिव वेयर का। अगर आप देखें तो यहाँ पर क्रिसिल की तरफ से रेटिंग अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है और जो लॉन्ग टर्म बैंक फैसिलिटीज है वहां पर रेटिंग अपग्रेड हो रहा है, ए प्लस इन्होंने कर दिया है ए से बढ़ाकर। तो डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि जो रेटिंग अपग्रेड हुआ है क्रिसिल की तरफ से वो इनके लिए आज पॉजिटिव साबित हो सकता है। इस वजह से कैंपस एक्टिवेयर खरीदना है। 448 रुपए के टारगेट के लिए 430 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी फाइनल कैटेगरी जो है माई चॉइस की तरफ। और माई चॉइस में अरमान मैंने तीन स्टॉक चुने, तीनों के तीनों खरीदारी के हैं। और यहां पर सबसे पहला कॉल है मेट्रो ब्रांड्स पर। दमदार नतीजे इसके आते हुए दिख रहे हैं। इनफैक्ट आप देखिए कंपनी की मार्जिन 44.5% थी, 77.6% पर मार्जिन आए और कंपनी का एबिटा भी 58 करोड़ से बढ़कर 393 करोड़। एक टर्न अराउंड स्टोरी देखने को मिल रही है। 12 करोड़ का घाटा था पिछले साल, इस बारी 105 करोड़ का मुनाफे में भी तब्दील होता हुआ दिखा है। तो हर एक फ्रंट पर कंपनी के बेहतरीन प्रदर्शन रहे हैं। इसी वजह से मेट्रो ब्रांड्स 660 रुपए के टारगेट की खरीदारी करनी है। 628 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनता हुआ नजर आएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली कैटेगरी। तो सेम है बट स्टॉक जो अगला है मेरा वो है नीलकमल का, जहां पर खरीदना है। यहां पर भी दमदार नतीजे आते हुए दिख रहे हैं और मुझे लग रहा है कि 6.1% से मार्जिन जो 8.4% हुए हैं वो कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव रह सकते हैं। और 2 करोड़, केवल 2 करोड़ का मुनाफा पिछले साल था और इस बारी जो है ऑलमोस्ट 15x होते हुए दिख रहे हैं। 29 करोड़ का मुनाफे में कंपनी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। तो दोनों ही ऑपरेशनल फ्रंट पर और मुनाफे के लिहाज से कंपनी का बेहतरीन प्रदर्शन है और आय फ्रंट पर भी लगभग 50% की ग्रोथ देखने को मिली है। तो 2050 रुपए के टारगेट के लिए नीलकमल में आपको खरीदारी करनी है। 1960 रुपए आपका स्टॉप लॉस बनेगा। और आखिरी कॉल है वेदांता पर, जहां पर खरीदना है। मोमेंटम आप देखिए शुक्रवार के सत्र में 3.75% का दमदार यहां पर रहा था। और अगर आप भारत की बात करें तो यहाँ पर निकल प्रोड्यूसर्स में वेदांता का नाम अब शुमार होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इन्होंने एक निकल प्रोड्यूस करने वाली कंपनी को भी खरीदा था आई थिंक। तो लार्जली जिस तरह से निकल का मूव आया था फ्राइडे के सत्र में, ऑलमोस्ट 9% की तेजी थी, तो मुझे लग रहा है कि वो भी एक फैक्टर हो सकता है वेदांता के आज चलने में। बट चार्ट सेक्टर तो डेफिनेटली 3.5% की पॉजिटिव है ही और ग्लोबल क्यूज भी सपोर्टिव है मेटल स्टॉक्स के लिए। तो वेदांता में खरीदारी करके चलिए, 262 के टारगेट के लिए 252 रुपए आपका स्टॉप लॉस होगा। तो चलिए ये तो मेरी तीन कॉल्स हो गई माई चॉइस कैटेगरी में। अरमान से जानते हैं कि माई चॉइस में उन्होंने क्या चुना है। माय चॉइस में सबसे पहले मैंने सुना है चुना है पतंजलि फूड्स। पतंजलि फूड्स क्योंकि एक तो ये जो एफएमसीजी सेक्टर है ये काफ़ी बढ़िया है, आपको लगातार लॉन्ग टर्म स्टोरी देखने के, अगर आपको सोचने की लंबे अवधि के लिए, तो ये सेक्टर आपको ऑब्वियसली पता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। अब इसमें क्यों, जैसे कुशल ने बात करी टर्न अराउंड स्टोरी की, तो इससे अच्छा टर्न अराउंड कुछ नहीं हुआ। ये कंपनी थी जिसका आप नाम जानते हो, रुचि सोया, जो नाम बदल कर ये हो गया, कर्ज मुक्त हो गई। एफएमसीजी सेक्टर में अगर जो सबसे चीप स्टॉक है ये है सबसे चीप स्टॉक, उसी के हिसाब से अगर पतंजलि फूड्स आपको बाय करना है, ड्यूरेशन 1 साल का और टारगेट है 1363। एक और स्टॉक जैसे पुदमजरी पेपर मैंने इसमें सिलेक्ट करा है। पेपर इंडस्ट्री पे तो जैसे मैंने कहा मैं बुलिश हूं ही सही, उसी के साथ साथ इनके अगर आप नतीजे देखेंगे तो नतीजे भी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। तो इसके लिए जो टारगेट है वो 39 का और स्टॉप लॉस अगर आप देखेंगे 38.2 का, क्योंकि पेपर इंडस्ट्री नतीजे बहुत बढ़िया है, पेपर इंडस्ट्री बहुत बुलिश है, पुदमजरी पेपर। और अंत में माय चॉइस में मैं लूंगा नजारा टेक। मेरे को ये ऑलरेडी बहुत बीटन डाउन स्टॉक है पर अगर आप इसके नतीजे देखेंगे तो नतीजे काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। आए लगभग 27%, मार्जिन देखेंगे 7% से बढ़कर 13% और मुनाफा देखेंगे मुनाफा भी लगभग 2.2 करोड़ से बढ़कर 11.5 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। तो नतीजे काफ़ी बढ़िया है, ऑलरेडी बीटन डाउन स्टॉक है तो वैल्यूएशन थोड़े अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो इसलिए नजारा टेक। और इसके लिए आपको टारगेट रखना है 545 का और स्टॉप लॉस 522 का। बिल्कुल, तो चलिए ये तो हो गई माई चॉइस कैटेगरी के सभी कॉल्स के डिस्कशन, बट अब जल्दी से सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप ले लेते हैं। देखिए कैश स्पेस से महिंद्रा हॉलीडेज नतीजे बेहतरीन आते हुए दिख रहे हैं, साथ ही फ्यूचर्स कैटेगरी में IDFC फर्स्ट बैंक, यहां पर आपको खरीदारी करनी है, बेहतरीन नंबर्स यहां पर भी आते हुए दिख रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा स्कॉर्पियो इनकी जो रिकॉर्ड बुकिंग होती हुई दिख रही है वो काफी पॉजिटिव खबर है। 47 रुपए का कॉल ऑप्शन आपको खरीद कर चलना है 47 रुपए में। चलिए टेक्नोपिक के आधार पर UPL काफी मजबूत लग रहा है, चार्ट स्ट्रक्चर काफी बेहतरीन है, आदित्य बिरला फैशन लॉन्ग टर्म अवधि के लिए फंडा पिक ले सकते हैं। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट शानदार नतीजे तो आए ही हैं, डेफिनेटली कंफर्मेशन है कि अगले 1 साल में 750 रुपए के टारगेट्स भी देखने को मिल सकते हैं। इधर रेटिंग क्रिसिल ने अपग्रेड की है कैंपस एक्टिव वेयर में। और माई चॉइस कैटेगरी में मेट्रो ब्रांड्स, नीलकमल और वेदांता, ये तीन आपको खरीदारी करके चलनी है। और इन सब में जो मेरा बेस्ट पिक है वो है मेट्रो ब्रांड्स का। शानदार नंबर्स मार्जिन और मुनाफे के लिहाज से आते हुए दिख रहे हैं। 660 रुपए का टारगेट रखिए, 628 रुपए का स्टॉप लॉस। देखिए अब मेरे लिए अगर आप रिकैप में सबसे पहले जेके पेपर, क्योंकि जो पेपर इंडस्ट्री है नतीजे बहुत अच्छे आते हुए दिख रहे हैं। फ्यूचर्स में सिप्ला पर ध्यान रखिएगा, सिप्ला में क्योंकि जो नतीजे हैं उसके साथ भी बढ़िया बढ़िया रिजल्ट आते हुए दिख रहे हैं आपको, और आपका स्टॉप लॉस 970 का रखना है। ऑप्शंस में अशोक लीलैंड, क्योंकि जो इनके मंथली अपडेट्स हैं वो काफ़ी बढ़िया आते हुए दिखेंगे, अशोक लीलैंड पर फोकस रखिएगा।
और उसके साथ टेक्नो में आप सन फार्मा पर ध्यान रखिएगा। एक तो ब्रोकरेज रिपोर्ट से नतीजे हैं, नतीजे के बाद मोमेंटम आता हुआ दिखा है विद इन द मार्केट। फंडामेंटल्स में इंडियन होटल, क्योंकि जो कंजम्पशन स्पेस है, होटल इंडस्ट्री है, लीजर स्पेस है, आपको उसमें बढ़िया तेजी आती हुई दिख रही है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन, क्योंकि ये जो पॉलीप्लेक्स कंपनी है ऐसी है कि आप फंडामेंटली किसी भी पैमाने पर देखें काफ़ी बढ़िया है। न्यूज़ पे अगर आप देखेंगे तो वीएसटी इंडस्ट्रीज जिसमें आप लगभग स्टॉप लॉस रख सकते हैं 3170 का, और जो नतीजे हैं वो भी बढ़िया आते हुए दिखे हैं। माय चॉइस में एफएमसीजी सेक्टर की एक सबसे चीप स्टॉक पर क्वालिटी स्टॉक पतंजलि फूड्स पर ध्यान रखिएगा, पदमजीर पेपर क्योंकि पेपर इंडस्ट्री, और नजारा टेक्नोलॉजी क्योंकि जो ऑलरेडी बीटन डाउन और नतीजे काफ़ी बढ़िया हैं। और अगर मुझे एक बेस्ट पिक चुनना होगा तो डेफिनेटली पॉलीप्लेक्स कॉर्पोरेशन होगा, क्योंकि फंडामेंटली सारे पैमाने पर काफ़ी बढ़िया स्टॉक। बिल्कुल, तो चलिए हमने सभी स्टॉक्स और उनके लेवल्स का रिकैप भी कर लिया है, बट लार्जली बाजार का जो मोमेंटम है 20 अंकों की तेजी एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहे हैं, और ग्लोबल सेटअप भी अमेरिकी बाजार और यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो काफी अच्छा है। तो कारोबारी हफ्ते का पहला दिन है, किस तरह से बाजार ट्रेड करते हैं इन सभी संकेतों को समझने के लिए सीधे चलते हैं शेयर बाजार लाइव में अनिल सर और दीपांशु के पास। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कुशल। गुड मॉर्निंग अरमान। अरमान कैसा लग रहा है पहली बार ट्रेडर्स डायरी? सर बहुत अच्छा लग रहा है, लीगेसी को फॉलो करने में अच्छा लग रहा है। परमानेंट कर दे चलिए बहुत बढ़िया, लेकिन मजा आया आप दोनों का शो देखकर। आइए अब करते हैं शुरुआत शेयर बाजार लाइव की।